आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। देखो अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता सर ये तो बात सही नहीं की। मैंने कहा क्या, आपने कंप्लीट साइकिल लिया ही नहीं, जबकि एक वेव में हमेशा कंप्लीट साइकिल पे ही निकलना चाहिए था, आपने हाफ साइकिल लिया, हाफ साइकिल का कोई मतलब नहीं है। ये तो वही बात है, मैच तो 50 ओवर का था और आप मुझे 25 ओवर की एवरेज बता रहे हो, मैच के अंदर करेक्ट रिजल्ट कैसे आएगा? आ नहीं सकता, क्योंकि आधा टाइम पीरियड पे एवरेज ली ना आपने, आपने पूरी पे ली नहीं, आपको पूरा मैच देखना चाहिए, पॉइंट है। तो फिर ये फैसला हुआ हम टी तक, जीरो से टी तक एवरेज कैसे लेंगे, आधी वैल्यूज पॉजिटिव हैं और आधी नेगेटिव हैं, तो मैं क्या करूंगा इन सभी करंट का स्क्वायर कर दूंगा। पहले स्क्वायर करने से सारे करंट पॉजिटिव हो गए, फिर उन स्क्वायर करंट्स का एवरेज ले लूंगा, और वो तो करंट का स्क्वायर आया एवरेज, फिर अंडर रूट ले लूंगा, अंडर रूट से करंट का स्क्वायर वापस करंट आ जाएगा, और टॉपिक का नाम क्या है, रूट मीन स्क्वायर। हम वेलोसिटीज के अंदर भी ऐसी किया करते थे प्लस वन में, तो रूट मीन स्क्वायर का यही फायदा है कि आप अंडर रूट लेके आप पहले क्या करेंगे, सभी करंट का स्क्वायर कर देंगे, सभी करंट के स्क्वायर को मिला के उनका एवरेज ले लेंगे, फिर उनका अंडर रूट लेके वापस करंट आ जाएगा, इसको आरएमएस बोलते हैं। तो आरएमएस करंट निकालने का तरीका, ये फॉर्मूला नोट कर लें अपने फॉर्मूला रजिस्टर में, आई स्क्वायर डी टी का मतलब आई स्क्वायर को मिलाना, इंटीग्रेशन मीन मिलाना, एडिशन, तो आई स्क्वायर मतलब सारे करंट के स्क्वायर को मिला दिया, कहां से कहां, जीरो से कैपिटल टी तक, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दिया, ये एवरेज आ गई, और फिर अंडर रूट लेके करंट के स्क्वायर का एवरेज आपको ये वैल्यू देगा। आज की बात मैथमेटिकली इसको प्लीज फॉर्मूले को याद कर लें, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का निकालने का ये फॉर्मूला है। अब आगे क्वेश्चन करने से पहले एक चीज समझ लें, वो ये कि अगर आपको इस चैप्टर के अंदर, स्पेशली मेडिकल के लोग, अगर आपको इस चैप्टर के अंदर इंटीग्रेशन यूज होती हो, और आप ये स्मॉल टी कर लें, स्मॉल टी, अगर आपको साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन यूज होती हो कभी, साइन स्क्वायर डी टी, जीरो से टी इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही ना, मेडिकल या नॉन मेडिकल, सीधा आंसर इंटीग्रेशन करने के बाद क्या लिखना है, कैपिटल टी बाय टू याद करना है। साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन या फिर कॉस स्क्वायर की भी इंटीग्रेशन इस चैप्टर में जीरो से कैपिटल टी तक आपको टी बाय टू ही आंसर देगी, याद कर लो। कम से कम 5-6 स्टेप बचते हैं इंटीग्रेशन के, और आपके एनसीईआरटी भी यही करती है, चिंता ना करो, मैं अकेला नहीं कर रहा, वो भी ये कुछ करती है, तभी तो इतनी पतली सी किताब निकाली हुई है उन्होंने, स्टेप तो दिखाती नहीं है, ठीक है। और साइन या डी टी करो, साइन की इंटीग्रेशन या कॉस ओमेगा टी की इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल टी तक आंसर जीरो देगी, ये नोट कर लो। तो आज के बाद साइन या कॉस की इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल टी जीरो आंसर देगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आंसर टी बाई टू देगा, याद हो गया यहां तक, क्लियर है, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, सीधा आंसर पुट करेंगे। तो देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है हमारे पास, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो तुम आई की जगह पुट करो आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या याद करवाई अभी, टी बाई टू, तो तुम यहां टी बाई टू पुट कर दो, टी से टी कैंसल, क्या आंसर आ गया, आई नॉट बाय रूट टू, और वन बाय रूट टू का मतलब क्या होता है, 0.707। लिखो फॉर्मूला, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही यूज होता है मैक्सिमम पेपर के अंदर, आई नॉट बाय रूट टू या 0.707 आई नॉट। और साथ में ये भी नोट करो कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या फिर वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट या फिर अफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट एक ही बात है, ये नोट कर लो। आपकी बुक्स मुझे नहीं पता क्या नाम लेगी, आपकी बुक्स में क्या लिखा कौन सा नाम मुझे नहीं पता, आधी बुक्स वर्चुअल बोलती हैं, आधी आरएमएस बोलती हैं, और आधी अफेक्टिव बोलती हैं, बात एक ही है। तो आरएमएस वर्चुअल और अफेक्टिव एक ही बात है, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? सही है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो ये तीनों नाम एक बराबर है, एक ही बात है, और इसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ में कुछ नहीं करना, जहां आई था वहां ई कर दें, ई नॉट साइन ओमेगा टी कर दें, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी बाय टू कर दें, टी से टी काट दें,
आंसर इसका भी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लें, डन।